चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक चाइनीज ओल्ड टेल से, चाइनीज की एक ओल्ड कहानी से, पुरानी कहानी से, जिसमें कि एक चाइनीज पेंटर हैं जिनका नाम है वो ज़िबू डाउज़ी उनका नाम है, जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे। तो उनको वू डाउज़ी को एक उनको हायर कर लिया जाता है। कौन हायर करता है उनको? एम्परर की राजा उनको हायर कर लेते हैं, जिनका नाम होता है एम्परर ज़ुआनज़ोंग। एंड वो कहते हैं कि तुम्हें हमारी जो महल है उसकी दीवार को डेकोरेट करना है अपनी पेंटिंग से। जब वू डाउज़ी पेंटिंग बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उस पेंटिंग को छुपा देते हैं एक स्क्रीन के पीछे, ताकि सिर्फ उस पेंटिंग को कौन देख सके, सिर्फ राजा ज़ुआनज़ोंग देख सकें। तो जब एम्परर उस पोर्ट्रेट को, उस तस्वीर को देखने आते हैं, उस पेंटिंग को देखने आते हैं, तो उस पेंटिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड, बर्ड्स, मैन ऑन हिली पाथ्स, ये सारे के सारे उनको पेंटिंग में दिखते हैं। और वो जो पेंटर होता है वो एम्परर को कहता है कि आपको इस तस्वीर में एक केव दिखेगी, और उस केव के अंदर, उस गुफा के अंदर एक स्पिरिट है, यानी कि एक आत्मा है। उसके बाद क्या होता है, पेंटर ने अब क्या करते हैं, अपने हैंड्स क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं वो, एंड ताली बजाने के बाद जो है वो गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। जैसे बचपन में हम कार्टून देखते थे एंड हम बोलते थे खुल जा सिम सिम कार्टून्स में, तो एंट्रेंस खुल जाती थी, सिमिलरली पेंटर ने भी अपने हैंड्स को क्लैप किया, उस केव का, उस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। एंड जब वो उसके अंदर गए राजा और पेंटर, तब उस गुफा का दरवाज़ा भी जो है वो बंद हो गया। लेकिन जो किंग थे उनको कुछ समझ नहीं हो रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये हो क्या रहा है, मैं तो पेंटिंग देख रहा था। तो क्या होता है, अचानक से पेंटिंग जो है वो गायब हो जाती है, ऊपर से उसको बनाने वाला जो पेंटर था वो भी गायब हो जाता है। एंड इसलिए कहा जाता है कि वो जो पेंटिंग थी वो वू डाउज़ी की लास्ट पेंटिंग थी, एंड वो टाइम भी बिल्कुल लास्ट था जब वू डाउज़ी को किसी ने देखा था। चैप्टर का अगला पड़ाव है, एक और अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेन सी स्टोरी आती है। उसमें क्या होता है, एक पेंटर है जिनका विश्वास है कि मतलब वो पेंटर जो है वो कभी भी ड्रैगन की जो आईज़ होती हैं उनको कभी भी ड्रॉ नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था अगर वो उस ड्रैगन की आईज़ को ड्रॉ करेंगे एंड उनकी मतलब जो आँखें हैं उनकी अगर कलाकृतियाँ बनाएंगे और उनकी आँखें जो है वो खुली होंगी, तो ड्रैगन जो है वो पेंटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो इस डर से कभी भी उन्होंने ड्रैगन की आईज़ नहीं बनाई थी। एंड इट इज़ दी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। बातें हम कहानी के नेक्स्ट पड़ाव पे, एक और नई कहानी आ जाती है हमारे पास, जिसका नाम क्या होता है, ब्लैक स्मिथ इन लव। ये एक 15th सेंचुरी की स्टोरी है। एक ब्लैक स्मिथ होता है जिसका नाम होता है क्विंटन मेस्टिस, जो कि एक पेंटर की बेटी के साथ मतलब ही फेल्स इन लव विद पेंटर्स डॉटर। लेकिन जो पेंटर है उनको ब्लैक स्मिथ का काम कभी भी, यानी कि उनका प्रोफेशन कभी भी पसंद नहीं आता। तो क्या होता है, एक दिन जो क्विंटन है वो पेंटर के स्टूडियो में जाते हैं एंड वहाँ पर एक मक्खी की तस्वीर बना देते हैं, एक फ्लाई की तस्वीर बना देते हैं। तो जब पेंटर अपने स्टूडियो में वापस आते हैं तो उन्हें दिखता है कि अरे यहाँ पे तो एक फ्लाई है, एक मक्खी है, तो उनको भगाने की कोशिश कर देता है उस फ्लाई को। लेकिन उसे फिर रियलाइज़ होता है अरे ये तो एक पेंटिंग है, ठीक है। तो उस पेंटिंग से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, कौन, जो पेंटर होता है वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्विंटन को स्टूडियो में रख लेता है, अपनी बेटी की शादी भी जो है वो क्विंटन से करवा देता है। एंड क्विंटन वहाँ के एरिया के सबसे ज़्यादा फेमस पेंटर बन जाते हैं। इन तीनों स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि आर्ट की क्या इम्पोर्टेंस थी, है और रहेगी। हाउ पावरफुल द पावर ऑफ आर्ट इज़, इस चैप्टर में हमें ये पता चल रहा है। अब आगे जाके स्टोरी में ऑथर हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है शैन शुई, विच मीन्स माउंटेन एंड वाटर, ठीक है। माउंटेन जो होता है वो मेल को, यानी कि मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, एंड वाटर जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। मेल को हम यांग बोलते हैं, YANG, एंड फीमेल को, यानी कि फेमिनिन को हम क्या बोलते हैं, यिन, YIN। अब इस स्टोरी के आगे जाके ऑथर ने एक टर्म यूज़ करी हुई है आर्ट ब्रट की। आर्ट ब्रट क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटसाइडर आर्ट,
एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु डोंट हैव राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव नॉट रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. मतलब आर्ट ब्रट वो उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है जिन्होंने कोई भी मतलब बाहर से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती पेंटिंग की या आर्ट की, एंड उन्हें हम आर्टिस्ट नहीं कह सकते, उन्हें कोई हक नहीं है खुद को आर्टिस्ट कहने का, बट फिर भी वो आर्ट करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं. इंस्टेड उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी तब भी वो आर्ट यानी कि पेंटिंग करते हैं एंड अपना आउट ऑफ द बॉक्स जो टैलेंट है वो शो करते हैं. तो आर्ट ब्रट का उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, किसका, द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ का, जिसको किसने बनाया था, नेक चंद ने. उन्होंने बहुत सारे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी की थी उस गार्डन में, जैसे कि जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए एंड जो वेस्ट मटेरियल्स थे बेसिकली जैसे प्लास्टिक एंड काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनसे उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज बनाए थे. तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है आर्ट ब्रट का. बाद में जाके ऑथर कहते हैं कि जो लोग आर्ट ब्रट होते हैं, जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पेंटिंग करते हैं, जिनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, उनकी हम पेंटिंग को या फिर जो उनकी क्रिएटिविटी है उनको हम क्या कहते हैं, या फिर जो उनकी आर्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स आर्ट. अनऑर्थोडॉक्स आर्ट जो होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज़ आते हैं उनकी होती है. सडनली फॉर एग्जांपल मैं पेंटिंग करने लग गई और मुझे अचानक से ही कुछ मतलब एक्साइटिंग सा तरीका आ गया आर्ट करने का, या फिर मुझे मतलब लगा कि हाँ ऐसी आर्ट आज तक किसी ने नहीं की होगी एंड ये बहुत एक्साइटिंग भी है, तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया. मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया जो किसी और के दिमाग में नहीं आया, इसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, एंड जिसको बाहर के लोग जो हैं वो चेरिश करते हैं एंड हमारा नाम होता है. अब चैप्टर के लास्ट में जो ऑथर है वो चाहते हैं कि आप समझो कि चाइनीज़ पेंटर एंड यूरोपियन पेंटर में क्या क्या डिफरेंस है. तो यूरोपियन पेंटर कौन होते हैं, ऐसे पेंटर जो चाहते हैं कि जिस तरीके से उसने पेंटिंग बनाई थी, जो सोच समझ के उसने पेंटिंग बनाई थी, जो पेंटिंग वो दिखाना चाहता है लोगों को, उसी तरीके से लोग उस पेंटिंग को देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चाहता है कि मतलब उसने अपनी पेंटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स बनाए हैं, लेक बनाए हैं, ट्रीज़ बनाए हैं एंड वो शो कर रहा है कि मतलब जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम लोग अगर उस पेंटिंग को देखें तो हमें भी हमारे माइंड में भी यही आना चाहिए कि नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट. तो यूरोपियन पेंटर कौन होते हैं, जिस थीम से, जिस आइडिया से उन्होंने पेंटिंग बनाई थी एंड जिस तरीके से वो उस पेंटिंग को देख रहे हैं, आप लोग भी यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो भी उसी तरीके से देखें. नाउ कमिंग टू चाइनीज़ पेंटर, तो चाइनीज़ पेंटिंग में जो चाइनीज़ पेंटिंग आप कभी भी देखोगे तो आप उसका, आप फ्री हो कि आप कोई भी उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी समझने की क्षमता है. चाइनीज़ पेंटिंग्स आपको कभी ये नहीं कहती कि हमने जिस थीम से, हमने जिस आइडिया से वो पेंटिंग बनाई थी आप उसी आइडिया को समझो, ऐसा कभी नहीं होता. चाइनीज़ पेंटिंग जो है उसे आप ईजीली देख सकते हो, मतलब फ्रीडम से देख सकते हो एंड उसी के हिसाब से अपना खुद का कंक्लूजन निकाल सकते हो कि व्हाट दिस पेंटिंग वांट्स टू से. तो ये था चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग्स एंड पेंटर में डिफरेंस. ये दोनों थोड़ी अलग अलग व्यू पॉइंट्स की इसलिए हैं क्योंकि इनका कल्चर टोटली एक दूसरे से अलग है. कोई भी पेंटिंग एक दूसरे से इन्फीरियर नहीं है, दोनों की दोनों अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इक्वल हैं. एंड जैसे हर कल्चर हमें एक डिफरेंट नॉलेज देता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट कंस्पेक्शन देता है, वैसे ही चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग्स भी अलग अलग हैं जो कि हमें अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना सिखाती हैं. तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, इसकी एक शॉर्ट समरी मैंने आपको समझाई है. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल. थैंक यू सो मच.